बहुत स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान के ऊपर। और लगातार बीते 50 घंटों से मैं शालिनी कपूर तिवारी कश्मीर के अंदर मौजूद हूं, और इन बीते 50 घंटों के अंदर कश्मीर के हर रंग को, हर तस्वीर को जी हिंदुस्तान तक मैंने पहुंचाया है। और लगातार ये कोशिश की है कि जमीन से जो असल तस्वीर है वो आप तक पहुंचाया जाए, और इसके अलावा आसमान से भी जो ऊंचे सपने हैं, जो हौसलों की उड़ान है, वो जी हिंदुस्तान के दर्शकों तक हम पहुंचाए। और इस काम में लगातार लगातार सफलता हासिल की है हमने। जल थल नभ से नया कश्मीर देखिए। और देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, 8 तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बानगी भर है ये बताने के लिए कि हमारे जज्बात और हौसले कितने ज्यादा बुलंद रहे हैं। हर तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हर परिस्थिति से हम निपटे, और हर रंग आप तक हमने पहुंचाया, वो चाहे माइनस का तापमान हो या फिर कड़कती हुई ठंड। जी हिंदुस्तान की टीम मुस्तैद रही इस DDC चुनावों के नतीजे आने और उसके बाद भी इन नतीजों के विश्लेषण के लिए, और उसकी बानगी मात्र ये 8 तस्वीरें हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों में हम पहुंचे, लोगों से हम मुखातिब हुए, ये जानने की कोशिश की कि आखिर बदलते हुए तस्वीर में आवाम के दिलों में जज्बात कितने बदले हैं। DDC चुनाव में गुपकार गैंग को करारी चोट कैसे लगी है वोट के जरिए, यह भी हमने आपको दिखाया। जल थल नभ से हमने जाबाज रिपोर्टिंग की, हर एंगल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, हर वो तस्वीर दिखाई जो कि पूरी दुनिया देखना चाहती थी। और हमने आपको दिखाया कि वाकई में बदलते हुए कश्मीर की तस्वीर क्या है, इस फिजा में क्या बदलाव आया है, क्या कहा जा रहा था पहले और अब क्या दिख रहा है, ये सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हम ना सिर्फ वोटिंग, ना सिर्फ रिजल्ट, बल्कि रिजल्ट के बाद यहां की आवाम, यहां की जनता क्या सोच रही है, उनके रिएक्शंस क्या है, क्या बदलाव आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं उनकी नई इस व्यवस्था से, ये सारी चीजें हमने दिखाई। हमने ये भी दिखाया कि वो कैसे त्रस्त है पुरानी सियासी पार्टियों से जिन्होंने उनको गुमराह किया। ये सारी तस्वीरें, हर अलग अलग रंग की तस्वीर हम आपको अपने खास पेशकश में दिखाएंगे। बिल्कुल, और ये रिपोर्टिंग आसान नहीं थी। बावजूद इसके ये जो हिम्मत हमें मिली है, ये हिंदुस्तान की आवाम से मिली है, ये जो हिम्मत हमारी टीम को मिली है, हमें जो जज्बा मिला है वो कश्मीर की आवाम से मिला है। और इसीलिए सुबह से लेकर के रात तक, देर रात तक हमारी टीम हर समय मुस्तैद रही ताकि वो कश्मीर आप तक हम पहुंचा सके, वो कश्मीर जो आज के पहले ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। ये सोच, ये विजन सिर्फ और सिर्फ जी हिंदुस्तान का जो आप तक पहुंचा है। कई बार इसमें ऐसा भी हुआ कि रातों में हमारी नींद टूटी क्योंकि हमें तो सुबह उठना था। कई बार रातों में उठ करके हमने घड़ियां देखी क्योंकि अहले सुबह की वो जो पहली किरण थी, वो पहली किरण जो सूरज की थी, उसके साथ हमें करनी थी अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत। گر فردوس بر روی زمین است، همی از تو، همی از تو، همی از تو، میری جان جل تل نب سے نیا کشمیر دیکھیے، جل थल नभ से नए कश्मीर के 8 रंग देखिए। हमी अस्तो मेरी जान रूह दिल से वापस, हमी अस्तो। जल थल नभ से नए कश्मीर की जांबाज रिपोर्टिंग देखिए। DDC के चुनावों के नतीजे अब सबके सामने, और इसी के साथ कश्मीर में एक नई सुबह का आगाज हुआ है, और उसी सुबह के आगाज की हर तस्वीर और नए कश्मीर की हर तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त जी हिंदुस्तान मौजूद है श्रीनगर के डल लेक में। और ये कश्मीर की नई सुबह है, या आप कह सकते हैं कि बदले हुए कश्मीर की नई सुबह है, और जी हिंदुस्तान ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है।
-2 डिग्री में सबसे खतरनाक रिपोर्टिंग देखिए। ग्लव्स के ऊपर आपको बर्फ भी दिखाई दे रही होगी। इस बर्फ के बीच में -डिग्री टेम्परेचर में भी हम मौजूद हैं ताकि डल की खूबसूरती आप तक पहुंचा सके। नए कश्मीर में मोदी के सच होते सपने देखिए। और ये देखिए, ये जवाब श्रीनगर में, और यहाँ पर आराम से मैं स्कूटी से घूम रहा हूँ। आसपास आप देख रहे हैं बिल्कुल ट्रैफिक सामान्य है। आसमानी कैमरे से धरती का स्वर्ग देखिए। जन्नत के लोगों की बुलंद आवाज सुनिए। वो तो बहुत जरूरी है, इसीलिए क्या जी हालात ठीक रहेंगे। हालात ठीक रहेंगे, हालात तो आ रही है, तो हाँ, सही है, बात सही है। देखिए ये कश्मीर विजय के 8 रंग 8 रिपोर्टर के संग यहाँ -डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जी हिंदुस्तान के हौसले बुलंद। जी हिंदुस्तान सुपर एक्सक्लूसिव। पीछे की आवाज तो लगातार जी हिंदुस्तान की रिपोर्टिंग आपने देखी, हमने आपको दिखाया कि किस तरह जल नप था। हर जगह से जी हिंदुस्तान की टीम मुस्तैद रही और इस मुश्किल काम को हम इसलिए कर पाए क्योंकि अगर कश्मीर की आवाम सुबह 7 बजे -7 डिग्री में निकल करके चुनाव के लिए हिस्सा ले सकती है, वोट डाल सकती है, तो फिर जी हिंदुस्तान की टीम क्यों नहीं डल में उतर करके वहां माइनस के तापमान में रिपोर्टिंग कर सकती है। क्योंकि आपका फर्ज आपने निभाया, अब बारी हमारी थी और हमें हमारा फर्ज निभाना था, और इसीलिए हर तस्वीर इस मुश्किल वक्त में भी हमने आप तक पहुंचाई है। प्रत्युष, इस रिपोर्टिंग को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, आज सुबह शालिनी जब आप डल लेक पर पहुंची थी, उसी दौरान मैं उस ब्रिज पर गया था जहां पर हमने देखा कि वहां पर जिसे कहा जाता था ना कि पहले वहां पर ना कोई आता है ना जाता है, खौफ का साया वहां पर मंडराता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सुबह जब हम गए उस जीरो ब्रिज पर तो हमने देखा कि वहां पर लोग चहलकदमी कर रहे हैं, लोग वहां पर वॉक कर रहे हैं। हमने देखा कि जैसे लोग रोजाना आते जाते थे कुछ महीनों पहले, लगभग वही स्थिति थी। आज ये बात साफ साफ कह रही कि वो जो सुबह थी ना कश्मीर की वादियों में, अगर आप आए और सुबह का आगाज आपका हो एक खूबसूरत वादियों के बीच में, वो नजारा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, जो यूथ वहां पर आ रहा था गुजर रहा था, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि अब हम इस मकड़ जाल से हम बाहर निकल रहे हैं। और आपने भी जब डल लेक में वहां पर बात की शालिनी, तो आपको लगभग यही रिएक्शन मिला। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्योष, और देखिए इसी के साथ गुपकार गैंग को करारी चपत लगी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अब यहाँ साकार होते हुए हमने देखा है। ये जाबाज रिपोर्टिंग हमने जो की है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू के लिए, जी हिंदुस्तान के लिए, और इसी रिपोर्टिंग की एक छोटी सी झलक हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कश्मीर में हो क्या रहा है। देखिए रिपोर्ट। ADC चुनावों के नतीजों ने कश्मीर घाटी में राष्ट्रवाद के नए दौर का आगाज किया है। जी हिंदुस्तान ने धरती के स्वर्ग में आए इस बदलाव की जल थल और नभ से सबसे जांबाज ग्राउंड रिपोर्टिंग की, नया इतिहास रचा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्ता हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्ता, इसका मतलब यह है कि अगर इस पृथ्वी के ऊपर कहीं पर स्वर्ग है तो वो यही है जहां इस वक्त टीम हिंदुस्तान मौजूद है। श्रीनगर के डल लेक से आप मुझे देख पा रहे हैं और चारों तरफ ये जो हसी वादियां हैं ये और ज्यादा खूबसूरत DDC चुनाव के साथ हो गई है। और बड़ी खबर के साथ आज की ये नई सुबह हुई है, वो नई सुबह ये है कि मोदी सरकार की नीति के ऊपर कश्मीर की जनता ने भरोसा जताया है और अब मोहर लगती हुई इसी के साथ दिखाई दिया है। आज का सूर्योदय कश्मीर के लिए, कश्मीर वालों के लिए एक नया सूर्योदय हुआ है। नए कश्मीर में उम्मीदों के नए सूर्योदय को देखने जी हिंदुस्तान के जांबाज रिपोर्टर सूरज के उगने से पहले ही मोर्चे पर पहुंच गए। हमें पूरे हिंदुस्तान को नए कश्मीर में बदलाव की नई सुबह दिखानी थी, नया दिन दिखाना था, इसीलिए शुरुआत डल झील से हुई।
डीडीसी के चुनावों के नतीजे अब सबके सामने और इसी के साथ कश्मीर में एक नई सुबह का आगाज हुआ है और उसी सुबह के आगाज की हर तस्वीर और नए कश्मीर की हर तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त जी हिंदुस्तान मौजूद है श्रीनगर के डल लेक में और यहां की हर तस्वीर समझाने के साथ साथ ये भी हम आपको समझा रहे हैं कि ये विकास की जीत है, ये केंद्र सरकार के सपने की जीत है, ये मोदी सरकार के उस विजन की जीत है जिसमें ये कहा गया सबका साथ सबका विकास। और अब ये वाहवाही और ये दाद जो विरोधी है वो भी मोदी सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अगर यहां कुछ थी, अगर कश्मीर के अंदर कुछ थी तो वो था एक लोकतांत्रिक ढंग से बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी गोली के और लोगों के दिलों में बिना किसी दहशत के चुनाव करा लेना। लोकतंत्र की असल जीत वहीं पर हो चुकी थी जब 8 चरणों का चुनाव डीडीसी का खत्म हुआ था, क्योंकि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हुए। जब डल लेक पर सुबह 7 बजे मैं पहुंची थी तो उस वक्त यहां सन्नाटा था, उस वक्त नहीं चल रहे थे शिकारे, लेकिन सूरज मेरे कैमरा पर्सन को मैं कहूंगी दिखाएं, आप चारों तरफ दिखाएं किस तरह से शांति है, अमन है, चैन है और शिकारे चल रहे हैं, टूरिस्ट भी यहां पर आए हुए हैं और यहां की जो आम जनता है उसने उस विकास के ऊपर मुहर लगा दी है, उस विकास के ऊपर मुहर लगा दी है जो बात कही गई थी अमित शाह की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, और इसीलिए रिजल्ट में वो वानगी देखने को भी मिली है। और सबसे अहम बात जो स्थापित करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये सच्चे लोकतंत्र की जीत है, उस लोकतंत्र की जिसकी स्थापना कश्मीर के अंदर हो, ये विपक्ष कभी नहीं चाहता था, ये पूरे हिंदुस्तान को, उन सियासतदानों को जो कश्मीर को अपनी जागीर समझते हैं और पाकिस्तान को भी, क्योंकि कश्मीर की आबोहवा खराब है ये बताने का सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है कश्मीर का, वो है पाकिस्तान का। देखिए कश्मीर फतह ये हो चुकी है, यहां के लोगों ने कश्मीर फतह कर दी है, अपना जनादेश दे दिया और इसी के साथ अब अगली बारी अगर किसी की है तो वो है पीओके की। अब वो भी हमारा होगा क्योंकि वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये वो जगह है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। एक एक करके जीत हर जगह की होगी और इन तमाम जीत के ऊपर जी हिंदुस्तान की नजर रहेगी, हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे इन बर्फ के बीच में। ये देखिए मेरे ग्लव्स के ऊपर आपको बर्फ भी दिखाई दे रही होगी, इस बर्फ के बीच में -डिग्री टेम्परेचर में भी हम मौजूद हैं ताकि डल की खूबसूरती आप तक पहुंचा सके, इन वादियों की खूबसूरती आप तक पहुंचा सके और ये बता सके कि कश्मीर के बारे में जो बताया जाता है वो बिल्कुल गलत है। यहां आइए, इन चीजों को खुद महसूस कीजिए और ये समझिए कि कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। साफ है शालिनी कि जिस तरीके से कश्मीर को कुछ सियासी दलों ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया, आज की सुबह उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलहदा ये सुबह है। और इसलिए ये हिंदुस्तान ग्राउंड जीरो से वो रियलिटी, वो हकीकत से लोगों को रूबरू कराना चाह रहा है, पूरी दुनिया को रूबरू कराना चाह रहा है, क्योंकि ये तस्वीर और ये सुबह, ये खूबसूरत सुबह भी देखनी बेहद जरूरी है। ये कश्मीर की सुबह है ये, और इस सुबह को नई सुबह हम इसलिए कह रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शन के बाद, जहां पर एक तरफ कहा जाता था कि यहां पर इलेक्शन कराना सबसे टफ टास्क है, सबसे कठिन काम है यहां पर, क्योंकि यहां पर कभी भी हिंसा हो सकती है, लोग भड़क सकते हैं, इलेक्शन पीसफुली हो नहीं सकता, लेकिन सारी चीजें हो गई बिना खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के, और लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जिस मुद्दे को लेकर सियासी दलों ने अपनी रोटियां से की, जिसके दम पर उनको लगा कि यहां पर उनका वर्चस्व पहले की तरह कायम रह पाएगा, वो नहीं हो पाया। अब इस रिजल्ट के बाद उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी सवाल जवाब करेगी यहां की जनता, जिन्होंने इतने दिनों तक यहां के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उन सियासी पार्टियों पर भी होगी जिन पर अब भरोसा यहां की आवाम, यहां की जनता ने किया है, क्योंकि उन्हें भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ यहां पर उनके लिए काम करना पड़ेगा। जिला विकास परिषद यानी कि सीधे विकास का मसला है, लोगों को मूलभूत बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, वो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं उनको दे दीजिए और उसके बाद ये अपनी रफ्तार खुद पकड़ लेगा। और ये बिल्कुल लग रहा है कि कश्मीर फिर से
उसी पुराने रफ्तार में वापस दौड़ेगा। मैं शालिनी आपका फिर शुरू करूंगा, ओवर टू यू शालिनी। बहुत सी आशंकाएं थी जिन्हें दूर किया है यहाँ की आवाम ने, और बहुत बहुत सा नया होप रहा है जो कि जागना और जीतना शुरू हुआ है। प्रत्युष, ये यहाँ से पानी की बूंदें टपक रही है एक एक करके मेरे ऊपर। देखिए, शिकारे के ऊपर बर्फ जमा थी सुबह जब हम पहुंचे थे, शिकारे के ऊपर बर्फ जमा थी। अब जब सूर्योदय हुआ है, सूरज निकला है, थोड़ी उसमें गर्मी आई है, तो फिर ये पानी बन करके, ये बर्फ पिघल करके पानी बन करके धीमे धीमे टपक रहा है इस शिकारे से। और इसी के साथ उन सबके भी दुर्दिन शुरू हो गए हैं। जैसे ये बर्फ पिघल रही है, वैसे कई लोगों की सियासी जमीन भी पिघल रही है, क्योंकि वो भी बर्फ की तरह थी जिसे वो मजबूत मान रहे थे। लेकिन अब ये जो सूर्योदय हुआ है, ये कमल इसमें जो खिला है, और बीजेपी रूपी ये जो गर्मी यहां पर आई है, उसके बाद ये जो सियासी जमीन इन लोगों की थी वो अब पिघलनी शुरू हो गई है, और धीमे धीमे करके ये पिघलेगी, और इसी तरह पानी बन जाएगी, और फिर उसके बाद उसमें तैरना पड़ेगा, जो बड़ा मुश्किल होगा उन तमाम अलगाववादियों के लिए जिन्हें खड़े रह करके राज करने की आदत थी। जब आप तैरते हैं तो हाथ पैर आपको चलाना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, वो करना इनके बस की बात शायद दिखाई दे नहीं रहा है। और यही असल तस्वीर जी हिंदुस्तान लगातार आप तक पहुंचा रहा है। दूर तक आप देखिए डल लेक के ऊपर आपको अब शिकारों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे जाएगी। ये वो संख्या है जो सुबह तक नहीं दिखाई दे रही थी। जब हम यहां पहुंचे थे तो सिर्फ जी हिंदुस्तान के दो शिकारे यहां पर चल रहे थे, लेकिन हमने ये ठाना था, हमने ये माना था, और ये जानने की भी हमारे अंदर भरसक इच्छा थी कि हर तस्वीर अंधेरे से लेकर के रोशनी से लेकर के और फिर अंधेरे तक की आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि अंधेरे के बाद की तो ये नई सुबह है, अंधेरे के बाद की ही ये नई सुबह है। वो अंधेरा जो अलगाववादियों की तरफ से बीते कई दिनों से जमाने की कोशिश की जा रही थी, एक DDC का इलेक्शन हुआ और रोशनी आ गई, किरण आ गई, सवेरा आ गया, सूर्योदय हो गया, और उन तमाम अलगाववादियों को भी नकार दिया है कश्मीर की जनता ने, इसी के साथ आतंक को नकार दिया है। तो सवाल ये हो रहा है कि भाई नई सुबह हम इसे क्यों कह रहे हैं? कश्मीर की नई सुबह इसलिए भी है कि अब तक जो कश्मीर की छवि पेश करने की कोशिश की गई, अब तक जो कश्मीर की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई, ये तस्वीर उससे बिल्कुल जुदा है, उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम पहले क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों से बात करने जाएं तो लोग कतराते हैं आपसे बात करने को, उनको लगता है कि क्या पता नहीं क्या आप उनसे पूछोगे, क्या उनके मन में है, क्या वैसी तस्वीर चली जाएगी। लेकिन हम जी हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है लोगों से समझने की, बात करने की, कि वो इस पूरे कश्मीर को किस तरीके से देख रहा है। ये कश्मीर की आज एक नई सुबह है। DDC इलेक्शन भी देखिए बहुत अच्छे से पीसफुली हो गए। क्या चाह रही है पूरी आवाम यहाँ पर? बिल्कुल अमन चैन कायम है। चैन चाहिए और क्या चाहिए? हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल अमन चैन है, बिल्कुल पीसफुली है सब कुछ। सर है, लेकिन तो अभी कहाँ है, अभी ठीक नहीं है। हाँ, तो हालात धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे, पूरे हालात। लेकिन इसके लिए जो लोगों में एक जैसे लोगों ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, सर, वो तो बहुत जरूरी है, इसीलिए किया जी, हालात ठीक रहेंगे, हालात ठीक रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर युद्ध क्या चाहता है, उनको बेसिक नीड्स क्या है, बुनियादी सुविधाएं उनको क्या चाहिए? सर यही चाहिए, ठीक होना चाहिए, इधर का काम धंधा चलना चाहिए, और क्या चाहिए, बस ओके। क्योंकि लोग आए, सैलानी आए, टूरिस्ट आए, उसी से तो ठीक होना चाहिए, और क्या, नहीं तो हालात खराब हो जाता है इधर। आप क्या करते हो यहाँ पर? सर हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं मजदूरी में, क्या करते हैं? सर ये पत्थर काम, ईंट काम चलता है। हाँ, तो ये काम चल रहा है, इसीलिए इधर के अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं। हाँ, धीरे धीरे तो आ रही हैं, वो बात सही है, बात सही है। देखिए ये, लेकिन एक इधर एक महीना ठीक होता है, दूसरे महीने हड़ताल हो जाती है इसमें, इसीलिए अब इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा सर। इसी से देखिए, ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव संकेत है कि धीरे धीरे अब ये हालात सुधर रहे हैं। तो ये यहाँ की आवाम क्या चाहती है? बाकी जगहों की तरह उनको भी बस यही चाहिए, बेसिक नीड, हाथ में नौकरी चाहिए, रोजगार धंधे अच्छे से चले, सब कुछ अच्छा हो, सैलानी यहाँ पर आए, तो उसके बाद फिर देखिए जन्नत की फिजा कर रही कुछ और होगा। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ प्रत्युष खरे, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, जी मीडिया। गर्मजोशी आज ऐसी कश्मीर में दिखाई दी थी जो इसके पहले कभी भी दिखाई नहीं थी। लोग बेपरवाह थे, सड़कों के ऊपर चल रहे थे, बेखौफ थे, जैसे यकीन अब उन लोगों को हो चुका है कि अच्छे दिन उनके आ गए हैं। बस देखिए, जब मैं जीरो ब्रिज पर वहां पर पहुंचा तो वहां पर जो सवेरा था आज का, और जो सुबह थी, और जो सूरज की किरणों की जो लालिमा थी, बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल जुदा थी, बिल्कुल नई सी लग रही थी, और जो उसमें चमक थी, जो रोशनी थी, वो बिल्कुल खास थी, और वो चमक
वहां आते जाते गुजरते जब लोगों से हमने बातचीत की तो उनके चेहरों में भी उनकी आंखों में भी वो चमक नजर आ रही थी। हमने उनसे पूछा कि इसकी पीछे वजह क्या है। उन्होंने खुलकर ये बताया कि अब तक जिन लोगों ने हमें लूटा और अपना खजाना भरा उनको कम से कम जवाब देने का हमें मौका मिला और ये अच्छा मौका मिला जो रिजल्ट सामने आया। हमने कहा अब आगे क्या होगा। बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया, बोला अब आगे वो होगा जो अब तक कश्मीर में नहीं हुआ। तो हमने कहा क्या ये न्यू इंडिया का कश्मीर है? उन्होंने कहा जी ये न्यू इंडिया का न्यू कश्मीर है। हमने बहुत सारे सपने देखे हैं और उम्मीद करते हैं कि उन सपनों को जल्द ही साकार होते हुए भी हम यही देखें। गर फिर दोस्त पर रूल जमीन अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। नए कश्मीर में अब तक की सबसे जांबाज रिपोर्टिंग। जो किसी ने नहीं किया वो जी हिंदुस्तान ने किया। नए कश्मीर की जल थल नभ से दमदार ग्राउंड रिपोर्टिंग। श्रीनगर की सुबह डल लेक में उतनी ही खूबसूरत है जितनी हर रोज होती है। हाँ इतना जरूर है कि इस खूबसूरती को आप दबाने की छुपाने की हर किसी ने कोशिश की। ये साजिश बीते 70 से 73 सालों से लगातार ये चलती चली आ रही है, लेकिन आज कश्मीर आजाद हुआ है ये हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, साफ तौर पर कह सकते हैं। शिकारे में इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं और ये जो डल का पानी है, मेरे कैमरा पर्सन सूरज को मैं कहूंगी ये देखिए पूरी बर्फ जमी हुई है। -2 डिग्री टेम्परेचर है और डल के ऊपर आपको बर्फ जमी हुई नजर आएगी। ऊपर एक परत बर्फ की फिलहाल यहाँ पर चादर ओढ़े हुए ये डल आपको दिखाई देगा और उधर दूर आपको खूबसूरत वादियां दिखाई देंगी। कश्मीर की ये वही जन्नत है जिसके बारे में कहा जाता है, लेकिन इसी जन्नत को तो जहन्नुम बनाने की कोशिश सियासतदान आज से नहीं जाने कब से कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज कश्मीर आजाद हो चुका है। इसलिए आजाद हो चुका है क्योंकि बदलाव की बयार यहाँ पर बह रही है। ये वो सोच है जिसे बदलने की कोशिश बीते 70 से 73 सालों से आजादी के बाद से 1947 से आज तक की गई, लेकिन वो सोच आजाद हो चुकी है। अब यहाँ के लोगों को विकास चाहिए क्योंकि हमने देखा किस तरह से इसी डल के लिए कहा जाता था कि यहाँ पर कमल तो खिल ही नहीं सकता है। सूरज इधर आप दिखाइए, ये जो आपको हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, ये कमल के ही पत्ते हैं। सिर्फ ठंड है, इसलिए ठंड में कमल चूंकि खिलता नहीं है इसलिए यहाँ आपको कमल खिला नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पत्ते उसी के चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। डल में कमल खिला हुआ भले न दिखाई दे रहा हो, लेकिन कश्मीर के दिलों में कमल खिला हुआ दिखाई दे रहा है। 3 सीट बीजेपी को हासिल हुई है कश्मीर के अंदर, जो कल तक कोई दुर्लभ काम लगता था, ऐसा लगता था ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कश्मीर को हमेशा से बपौती समझा है कुछ परिवारों ने, उन परिवारों ने जिन्हें लगता था कश्मीर तो हमारा हक है और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम ही कब्जा करके बैठे रहेंगे, किसी को आने नहीं देंगे। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को ऐसा कश्मीर के अंदर समझा जाता था कि वो तो बाहर वाला है, वो कभी भी कश्मीर में आकर के यहाँ के लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता है। लेकिन आज जी हिंदुस्तान असल रिपोर्टिंग और यहाँ कश्मीर की जो कि भारत के सिर का ताज कहा जाता है, उस ताज की असल खूबसूरती आपको हम दिखाने आए। कितने नगीने जड़े हुए हैं उस ताज के ऊपर, हम वो आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ नगीने नहीं, सिर्फ हीरे नहीं, बेशकीमती रत्न हमारे इस कश्मीर में जो कि भारत का ताज है वो जड़े हुए हैं। प्रेम दी साथी चंद्रोस प्याल गो कली, चंद्रोस प्याल गो कली, वदना सिए तचला एक गो। क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है? जो गाना है ये जो कश्मीरी है इसमें मीनिंग है, इसमें हिंदी में मीनिंग नहीं है, ये कश्मीरी है। हाँ। ना किसी को कोई होता है, डेड होता है, मरता है, फिर उसका अफसोस रहता है उसका। हाँ। ये उसी के ऊपर एक गाना यहाँ गाना गाता है उसके लिए। हाँ। फिर जहाँ शादी होता है कहीं भी, उस टाइम ये गाना सुना रहा है। अच्छा, उस समय ये गाना सुना रहा है, मतलब खुशी फैलाने वाला है उस टाइम। ऐसा है यहाँ जो हमारा जो कल्चर है, शादी होता है यहाँ, ऐसा है। हम तो यहीं रहते हैं, लेक में ही है। हाँ। हमारा जो भी रोजी रोटी इसके शिकारा के ऊपर है। हाँ।
कश्मीर की आम आवाम नए बदलाव से इसी तरह खुशी के तराने गा रही है। घाटी की सड़कों पर भी नई गर्मजोशी देखी गई। जी हिंदुस्तान ने श्रीनगर के ग्राउंड जीरो पर जीरो ब्रिज का जायजा लिया। डीडीसी चुनाव के नतीजों के बाद कई सियासी दलों का किला ढह गया है और ये कश्मीर की नई सुबह है, या आप कह सकते हैं कि बदले हुए कश्मीर की नई सुबह है। और जी हिंदुस्तान ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर के जीरो ब्रिज पर। काफी पुराना ये ब्रिज है, इसे हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। लकड़ी का ये पुल बना हुआ है, बेहद खूबसूरत यहाँ का नजारा है। झेलम का किनारा, यहाँ पर पड़े ये खड़े ये हाउस बोट्स, और ये देखिए जिस जगह पर जहां पर लोग आने जाने से कतराते थे, एक डर एक खौफ का माहौल था। ये देखिए सुबह के वक्त यहाँ पर लोग चहलकदमी कर रहे हैं, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। दरअसल में वोट की चोट पड़ी है गुपकार अलायंस पर, और आप कह सकते हैं कि सरहद के पार पड़ोसी मुल्क, उसके भी चेहरे पर एक करारा तमाचा पड़ा है। पाकिस्तान के गणतंत्र के सामने हिंदुस्तान का गणतंत्र जीता है और इसे जिताया है कश्मीर की आवाम ने। आज जो लोग ये दावा करते थे कि ये उनकी मिल्कियत है, ये हुकूमत उनकी है, उनका किला पूरी तरीके से ढह गया है और ये तय यहीं की आवाम ने किया है। और ये पीएम मोदी के सपनों का कश्मीर है जिस पर यहाँ की जनता ने मुहर लगाया है। तमाम बातें यहां पर की गई हैं, 370 35 से बड़ा मसला, इलेक्शन बायकॉट, लेकिन सारी चीजों को एक साइड एक परे रखकर सब कुछ ध्वस्त कर दिया लोगों ने। वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया, पीसफुल वोटिंग, और उसके बाद रिजल्ट भी पीसफुली आए और अब लोग अब यहां पर विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनको पता है कि विकास का रास्ता कौन दिखाएगा, कौन उनके सपनों की उड़ान को, उम्मीदों की उड़ान को, उम्मीदों को, उनके सपनों को कौन धरातल पर उतारेगा। तो ग्राउंड जीरो से यह है बदले हुए कश्मीर की तस्वीर। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ प्रतीक्ष खरे, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, जी मीडिया। जल हल नब से नया कश्मीर देखिए। नब से जी हिंदुस्तान ने जो रिपोर्टिंग की है उसकी हर तस्वीर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिकारे पे मौजूद रह करके डल झील में जो लोग भी आए हुए थे शिकारे पर, उनसे भी हमने बात की, उनके भी दिलों का हाल जाना। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी लगातार हमने कश्मीर के ऊपर नजर रखी, क्योंकि ये वो तस्वीर थी जो इसके पहले ना आपको किसी ने दिखाई थी, न सोची थी, न समझी थी, क्योंकि वो विजन जो जी हिंदुस्तान के पास है, वो सोच जो है सच्ची पत्रकारिता वाला जो सोच है वो किसी दूसरे के पास नहीं है। और देखिए डल झील पर तो मैं मौजूद थी, वहां से मैं उतरी भी, नेहरू पार्क भी गई, वहां का भी जायजा लिया, लेकिन प्रत्युष मेरे साथ है। और प्रत्युष आप लाल चौक पर गए थे, लाल चौक के लिए कहा जाता है ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, यहाँ पर अलगाववादियों की सोच पनपती है, वहां की तस्वीर क्या थी प्रत्युष वो आप बताइए दर्शकों को। कि उसके बाद कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है इसको भी हम दिखाएंगे। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करनी बेहद जरूरी थी, इसलिए मैं लाल चौक पहुंचा। लाल चौक के बारे में कहा जाता है कि यहां पर आने के पहले लोग 20 बार सोचते हैं। दरअसल में लाल चौक में से पहले आपने देखा है कि किस तरीके से ये पूरा इलाका विवादों में रहा है। इस इलाके ने बहुत कुछ देखा है, कैसे वहां पर अलगाववादियों की, कट्टरपंथियों की रैलियां निकली हैं, जुलूस निकले हैं, भीड़ की शक्ल में वहां पर उपद्रव हुआ है, हिंसा हुए, वहां पर तकरीबन 200 से ज्यादा ग्रेनेड अटैक हुए हैं। और हालिया अगर मैं कहूं तो फरवरी महीने में आखिर था जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के दो जवान उसमें जख्मी भी हुए थे, दो सिविलियन भी उसमें जख्मी हुए थे। लेकिन उसके बाद लाल चौक में कितना बदलाव आया और जिला विकास परिषद के चुनाव के बाद, नतीजों के बाद लाल चौक कैसा है, इसलिए मैं सुबह सुबह वहां पर पहुंचा। जब मैं वहां पर गया तो बिल्कुल लाल चौक वैसा नहीं था जैसी तस्वीर दुनिया को दिखाई जाती है, बिल्कुल बदला हुआ लाल चौक नजर आया। कैसा था लाल चौक जरा देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट। जी हिंदुस्तान ग्राउंड जीरो से कश्मीर की असली हकीकत और तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाल चौक पर। और ये देखिए मेरे पीछे ये क्लॉक टावर और घंटाघर, इसे श्रीनगर ही नहीं, इसे कश्मीर का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, इसे हार्ट ऑफ द सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इसी लाल चौक पर और इसी घंटाघर पर आपने देखा कि कई बार तिरंगे को लेकर विवाद हुआ। इस लाल चौक ने बहुत कुछ देखा है, पत्थरबाजी, टेररिस्ट अटैक, कर्फ्यू,
जुलूस, भीड़ सब कुछ देखा है। और इसी लाल चौक में आज से लगभग 28 साल पहले बीजेपी की एकता यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी ने यहीं पर तिरंगा फहराया था। और आज GDC इलेक्शन के बाद अब लाल चौक की तस्वीर बिल्कुल अलहदा, बिल्कुल जुदा और बदली हुई है। ये है बदले हुए कश्मीर की तस्वीर, या कह सकते हैं कि बदले हुए लाल चौक की ये तस्वीर है। बिल्कुल सामान्य है ये लाल चौक। और ये देखिए आसपास बाजार बिल्कुल गुलजार है, दुकानें यहाँ पर खुली हैं, ट्रैफिक यहाँ पर सामान्य है, लोग यहाँ पर जा रहे हैं। ये बता रहा है कि यहाँ की आवाम, अवन पसंद आवाम यहाँ शांति और सुकून चाहती है। और यही तस्वीर ग्राउंड जीरो से जी हिंदुस्तान आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ लाल चौक पर, जो लाल चौक पूरी दुनिया में सुर्खियों में रहता है। कई बार लाल चौक की तस्वीरें आपने देखी होंगी, अक्सर तिरंगा को लेकर विवाद, और अक्सर आपने देखा होगा भीड़, जुलूस, पत्थरबाजी, टेररिस्ट अटैक और तमाम अलगाववादी नेताओं के बयानात, उनके जुलूस, सब कुछ का गवाह रहा है ये लाल चौक। लेकिन आज TDC इलेक्शन के बाद, जिला विकास परिषद के नतीजों के बाद, अब यहाँ की फिजा, यहाँ की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। और यहाँ की आवाम की तरफ से जो पैगाम, जो मैसेज जा रहा है, वो ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि सरहद पार पाकिस्तान तक भी ये मैसेज जा रहा है कि देख लो पाकिस्तान, ये है लाल चौक और ये है हिंदुस्तान की शान। ना सिर्फ कश्मीर के दिल की धड़कन, हिंदुस्तान की भी धड़कन। और यहाँ से अमन चैन का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है। और इसलिए ग्राउंड जीरो पर जी हिंदुस्तान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ प्रत्युष खरे, लाल चौक, श्रीनगर, जी मीडिया। तो लाल चौक अगर महफूज हो चुका है तो पूरा कश्मीर महफूज हो चुका है। आप जरा सोचिए, क्या ये संभव है कि लाल चौक की फिजा बदल रही हो, कश्मीर की फिजा ना बदल रही हो? क्या ये संभव है कि लाल चौक पर लोग अपने आप को महफूज, सुरक्षित महसूस कर रहे हो, बाकी कश्मीर में जो गली कूचे है वहाँ की स्थिति कुछ और हो? ये संभव नहीं है। जो लाल चौक की तस्वीर है वही पूरे कश्मीर की तस्वीर है, वही फिजा इस वक्त कश्मीर के अंदर दिखाई दे रही है, वही अमन चैन दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ हुआ है अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से, जिसके लिए महबूबा मुफ्ती ये कहा करती थी कि अगर ये हट गया तो समझो कश्मीर का नामो निशान हट जाएगा। लाल चौक वो जगह है जहां तिरंगा भी इस वक्त लहरा रहा है, केसरिया रंग भी लहरा रहा है। प्रत्युष, आप खुद वहां पर मौजूद थे, मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? एक वही लाल चौक क्या पूरे कश्मीर की हर तस्वीर बयां नहीं कर रहा था? दरअसल हमने तय किया कि हम लाल चौक में कई घंटे यहाँ पर गुजारेंगे, देखेंगे लाल चौक में वहां पर आवाम और वहां कितना बदलाव हुआ। लाल चौक आज की तारीख में, आज की इस नई सुबह में, बदले हुए कश्मीर में किस तरीके से वो नजर आ रहा है। इसलिए हमने शाम का भी वक्त चुना और हम लाल चौक में गए थे कि जो वो वहां पर एक घंटा घर है ना, और वहां पर जब 28 साल पहले मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था, उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से काफी बवाल, ये जो घंटा घर है, यहाँ पर कभी पाकिस्तान के झंडे, कभी टेररिस्ट लोगों के अपने अलगाववादी कट्टरपंथियों के अपने फ्लैग, झगड़ा, फसाद, सारी चीजें थी। जब हम वहां पर गए तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ वहां पर सामान्य नजर आ रहा था। जो लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि फौज की सख्ती नजर आती है, जब हम वहां पर गए तो ऐसी कोई सख्ती हमें नजर नहीं आई। CRPF की 132 बटालियन की 2 कंपनियां वहां पर तैनात थी, जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए थी, ताकि कोई भी यहां पर गड़बड़ी ना कर सके, कोई भी ऐसा शरारती तत्व यहां पर कुछ ना कर सके। और लोग जो थे बिल्कुल आराम से, सुकून से, बिना खौफ के वहां पर अपने काम को कर रहे थे, बाजार खुले हुए थे, गुनगुनी धूप भी थी, हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, गुनगुनी धूप थी। और लोग उस लाल चौक के दोनों ओर सड़क के बीच में जो एक पैसेज है, एक जो पाथवे है, वहां पर बैठकर उसका आनंद उठा रहे थे। कई लोगों से हमने बात भी की, उन्होंने पूछा कि साहब आप क्या आ रहे हो, कितने बजे आप इसे दिखाने वाले हैं? हम लोग जल्दी आपको दिखाएंगे कश्मीर की ये पूरी तस्वीर और लाल चौक की असली तस्वीर। देखिए हिंदुस्तान इस वक्त कश्मीर के ग्राउंड जीरो पर, यानी कि श्रीनगर का लाल चौक का इलाका। मेरे पीछे आप वो घंटा घर देख रहे होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये कितना हाई सेंसिटिव इलाका है। ये इसे कहा जाता है कि ये अलगाववादियों का गढ़ है और यहाँ से अलगाववाद की चिंगारी यहाँ से भड़कती है। हालांकि फरवरी में आखिरी ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें 2 सिविलियंस और CRPF के 2 जवान इंजर्ड हुए थे, उसके बाद यहाँ इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई है। यहाँ पर लाल चौक में इससे पहले आपने देखा होगा कर्फ्यू रहता था, यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, आपने देखा कि यहाँ पर लगभग अब तक 200 ग्रेनेड हमले भी यहाँ पर हो चुके हैं। लेकिन अब कश्मीर की बदली हुई तस्वीर ये है जो आप इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। लाल चौक का इलाका
जो अक्सर यहाँ पर एक डर एक खौफ का माहौल रहा करता था। ये कहा जाता था कि कोई भी यहाँ पर आने से पहले 20 बार सोचता है, लेकिन देखिए आज बिल्कुल खुली फिजा में लोग सांस ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लोगों की सुरक्षा में किस तरीके से मुस्तैद। और ये देखिए आसपास लाल चौक में अगर आप आएंगे तो ये दोनों तरफ ये सड़क बीच में एक पैसेज एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। शाम का हालांकि वक्त हो रहा है, गुनगुनी धूप भी है, शाम ढलने को है और लोग थोड़ी गुनगुनी धूप का मजा भी ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैद हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ। और अगर उनको कुछ इस तरह के इनपुट्स मिलते हैं तो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान और क्यूएनटी की टीम यहाँ पर जा करके फ्रिस्किंग करती है और चेकिंग करती है। और हाँ कि अभी फिलहाल आपको कहीं भी कोई बैरिकेड्स नज़र नहीं आएंगे फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर आराम से लोगों की का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर सामान्य है इस वक्त। लेकिन जब यहाँ पर माहौल टेंस होता है तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके यहाँ पर सीआरपीएफ और साथ साथ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के यानी दो कंपोनेंट्स यहाँ पर हमेशा उसकी तैनाती रहती है। और इस इलाके में पास में ही आपको बता दूं कि यहाँ पर दशनामी अखाड़ा भी है जहाँ से छड़ी मुबारक यात्रा निकलती है, यानी कि अमरनाथ यात्रा से पहले छड़ी मुबारक यहीं पास से निकलती है। और इस पूरे लाल चौक के इलाके में चार मस्जिदें हैं, बहुत पुरानी मस्जिद है, एक पुराना गुरुद्वारा भी है यहाँ। और मैं आपको उधर की भी एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरा पर्सन विक्रम से कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर सीआरपीएफ का एक बंकर है, पहले यहाँ पर पैलेडियम सिनेमा हॉल हुआ करता था। यहाँ पर ये ठीक मेरे इधर सामने, मैं विक्रम से कहूँगा कि ज़रा उसे फोकस करके जूम करके दिखाएं। ये आप अगर आएंगे तो आपको क्लॉक टावर से बिल्कुल नज़दीक है, इस जो पैसेज नुमा इलाका है इससे ठीक सटा हुआ ये है पैलेडियन सिनेमा हॉल। लेकिन अब ये सीआरपीएफ का बंकर है। 90s के दशक में इस पर भी ग्रेनेड से हमला हुआ था। श्रीनगर के लाल चौक का ये घंटा घर, और ये देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीम इसी तरीके से यहाँ पर गश्ती करती है। आसपास के इलाकों में इनकी पैनी निगाह होती है। क्यूआरटी टीम के जो जाबाज जवान हैं बहुत ही इनकी पार्क की नजर होती है, और या कह सकते हैं कि संदिग्धों को पहचानना इनको बेहतर तरीके से आता है। जी हिंदुस्तान की टीम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको दिखा रही है कि ये बदले हुए कश्मीर में आज के समय में क्या हालात है। बुलेट को बैलेट से जवाब दिया गया और इसका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी गया कि यहाँ पर अमन चैन कायम है और यहाँ की आवाम इसी अमन चैन के साथ यहाँ पर रहना चाहती है। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ प्रत्युष खरे, लाल चौक श्रीनगर, जी मीडिया। तो जी हिंदुस्तान की ये जाबाज रिपोर्टिंग आपने देखी, और ये शक्ति ये ताकत ये हौसला हमें आपसे मिलता है। जी हिंदुस्तान की टीम आगे भी इसी तरह की कवरेज आप तक पहुंचाती रहेगी, और इस चीज के लिए लगातार आपको हम इंश्योर करते रहें कि सही तस्वीर, सटीक तस्वीर और सच्ची तस्वीर आपके घरों तक जी हिंदुस्तान की स्क्रीन के माध्यम से पहुंचेगी। और यही हमारी कोशिश है कि ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचे। जी हिंदुस्तान आगे भी इसी तरीके से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेगा ताकि सच निष्पक्ष तरीके से दुनिया तक पहुंच सके।